और अब खबर रायपुर से है, जहां पर अरंडे भवन में हुई राज्य स्तरीय परिचर्चा में सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों के हित में आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि वे जंगल के मालिक नहीं हैं, वहां रहने वाले वनवासी हैं। अधिकारी इस बात को ना भूलें। उन्होंने एनजीओ को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एनजीओ से भी सहयोग सरकार को नहीं मिल रहा है। साथ ही कहा है कि हमारी जिम्मेदारी कि उनकी जीवन शैली बेहतर हो। आज जंगल में इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रहना चाहते। हाथी बंदर शेर जंगल छोड़ते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति जंगल में नहीं हो पा रही है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति की जिम्मेदारी हमारी है। सैकड़ों हजारों साल से परंपरागत रूप से रह रहे हैं और वही लोग इसको सुरक्षित रखे हैं। सरकार में जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो उनके व्यवस्थापक के रूप में, सहयोगी के रूप में हमको काम करना है, ताकि वहाँ के लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके, जंगल और वृद्धि हो, इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब